बढ़ते आगे बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि रामबन आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा है। रामबन में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा, जिससे कहा जाता है कि 13 मजदूर फंस गए, 3 को बचाया गया, 1 की मौत की खबर भी आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रामबन में बचाव अभियान अभी भी जारी है। आपको बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया है और रामबन में बचाव अभियान अभी भी जारी है। कुछ देर में तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हालात वहां पर अभी कैसे बने हुए हैं, आंकड़ा क्या कुछ कहता है, क्योंकि तमाम अधिकारी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में नदीम इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक एक अपडेट वहां से लें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। आप तस्वीरों को देखिएगा, ये रामबन की तस्वीरें हैं, उस टनल की तस्वीरें हैं जिसका निर्माण अभी चल रहा है। खूनी नाला के पास ये बताया जाता है, जहां पर रामबन में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा गिर जाता है और कहा जाता है अभी फिलहाल 1 की मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, सुबह से जानकारी लगातार दे रहे हैं। नदीम, क्या खबर आपके पास है, क्योंकि कहा जाता है 1 की मौत की खबर है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर जहां तक हम सुबह से देख रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि 10 लोग जो खूनी नाला की पस्ती थी उसकी जद में आए थे, जो वहां पे कोलैप्स हुआ था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू का जो सिलसिला है सुबह से चल रहा था और एक डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया था, जबकि अभी भी 9 लोग लापता है। लेकिन अभी लगभग आधे घंटे की पहले की बात करें तो वहां पे दोबारा से जो मलबा है ऊपर से उतर आया है, यानी ये चीज कि जो कल रात 12 बजे से मेहनत तो मशक्कत की जा रही थी डेड बॉडीज को निकालने की, तो उस पर कहीं ना कहीं मुश्किलात और बढ़ गई, यानी मलबा और वहां पे आ गया है। तो ये कहना कि हम तो ये कह सकते थे कि आने वाले 2 घंटे के अंदर वहां पर मलबे को हटाकर शायद जो मिसिंग लोग थे उनका कुछ अता पता चल पाता, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी दोबारा से मलबा उतर आया है, तो इससे परेशानियां बढ़ गई, रेस्क्यू और ज्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू पहले की अगर हम बात करें तो। अब आने वाले एक वक्त में जो है और मजीद वक्त लगेगा रेस्क्यू को कम्प्लीट करने में। जी हर्ष, ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको, कितने मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए हर्ष इसमें देखिए अभी तो 12 लोग इसमें टोटल थे, जिसमें से 2 को जख्मी हालत में वहां से निकाला गया था और 1 की वहां से डेड बॉडी रिकवर हुई। अभी भी 9 लोग वहां से जो है लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें और भी क्या हो सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन रेस्क्यू के दौरान वहां से क्या जख्मी हालत में निकलते हैं या फिर डेड बॉडीज निकलती हैं, ये कहना अभी कबल अज वक्त होगा। लेकिन फिलहाल जहां तक हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, 12 लोगों में से 3 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 2 जख्मी और 1 की डेड बॉडी वहां से रिकवर की गई है। जी हर्ष बिल्कुल। नदीम, क्या ये वाकई हादसा था या किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, क्या क्या जांच अधिकारी इस वक्त कह रहे हैं कि जांच टीम भी पहुंची हुई है? बिल्कुल, देखिए हर्ष मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि जब हम वहां के लोकल से बात कर रहे थे, जो खूनी नाला के आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो उनका ये मानना था कि देखिए ठीक इस हादसे के पेश आने से पहले वहां पे एक ब्लास्ट हुआ था, यानी ब्लास्टिंग हुई है, जो स्टोन ब्लास्ट वहां पे हुआ था और उस ब्लास्ट के ठीक 2-3 घंटे बाद वहां पे ये एपिसोड जो है ये इंसिडेंट पेश आया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अगर इस चीज को अगर जहन में रखा गया होता कि ये जो इस तरह के जो ब्लास्टिंग हो रही है और उसके बाद कहीं जमीन में दरारें तो नहीं हो रही, अगर उन चीजों को देखा गया होता और रात के वक्त में अगर काम ना होता जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड जो है लगभग 10:15 के आसपास में शुरू हुआ था ये जो पेश आया वहां पे, तो अगर इन चीजों को अगर जहन में रखा गया होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है और लापरवाही किसकी है, क्या कमजोरी रही है, क्या काज रहा है इस तमाम का, ये तो रेस्क्यू के बाद ही इस चीज को जो है सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सभी की जो प्रायोरिटी है वो इसी को है कि जरा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द हो, जो भी वहां पे मिसिंग लोग हैं उन्हें ढूंढा जाए। बिल्कुल नदीम, एक आखिरी सवाल, अभी घायलों की हालात क्या बताई जाती है, क्योंकि 3 में से 1 की मौत हो गई है और 2 को रेस्क्यू कर अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया है, 13 लोगों के फंसे होने की जानकारी, अभी हालात कैसे बनी है उन घायलों की, क्या गंभीर है? जी बिल्कुल, देखिए हर्ष जहां तक हम बात करें, क्योंकि जो जख्मी लोग थे उन्हें कल रात को ही निकाला गया था
और उसमें लगभग दो की हालत खतरे से बाहर थी और जो तीसरी एक डेड बॉडी रिकवर हुई है हर्ष, तो ये डेड बॉडी ही जो स्पॉट से रिकवर हुई है, यानी ये चीज कि जो मिसिंग लोग थे उनमें से एक डेड बॉडी रिकवर हुई है जबकि दो लोग जो जख्मी थे उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर। चलिए ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। नदीम पूरी जानकारी दे रहे थे कि अभी हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 13 लोगों में से 9 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं, एक की मौत की खबर इस वक्त आ रही है, जबकि ये कहा जाता है कि अभी 3 लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। लेकिन एक और बड़ी